हेलो नमस्कार साथियों, देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ शिक्षा एग्रीकल्चर के चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं दोस्तों वन क्वेश्चन में लाया हूँ डिसीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्राप्स देयर एंड मैनेजमेंट, जो बीएससी जी के 6 सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपकी परीक्षा में छपने वाले और पूछे जाने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर में मैं लाया हूँ। जो दोस्त हमारे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि अगले आने वाली वीडियो आपकी के पास आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने प्रतिशत फसलों को रोगों द्वारा हानि होती है? तो इसका उत्तर दोस्तों है 26%। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रोगों द्वारा होने वाली हानि की कीमत लगभग है? तो इसका उत्तर दोस्तों है 1300 करोड़ रुपये। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों है ई.जी. बटलर को माना जाता है। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों कि भारत यानी प्रथम भारतीय रोग वैज्ञानिक थे? तो इसका उत्तर दोस्तों है जे.एफ. दास्तूर। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, अतिवर्धन का उदाहरण है? इसका उत्तर है दोस्तों क्रूसीफर का श्वेत किट रोग। छठा प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, प्ररूता अधिकतर किस फसल में दिखाई देती देता है? तो इस प्ररूता जो हमारे धान फसल में दिखाई देता है। सातवां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, परिपोषी पौधों में एक रोग के उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है रोग जनन। आठवां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, बोर्डो मिश्रण सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर दोस्तों मिलार्डे ने 1882 ईस्वी में प्रयोग किया था। नौ प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, बोर्डो मिश्रण सर्वप्रथम किस फसल पर कौन सी बीमारी प्रयुक्त हुआ? तो इसका उत्तर दोस्तों है अंगूरा मरुरोमल आस्ता। दसवां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, नए रोग को किसी बाह्य क्षेत्र में जाने से रोकना तो उसे कहते हैं दोस्तों बहिष्करण। 11वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, बीज की सतह पर उपस्थित कवकों या जीवाणु को नष्ट करना कहलाता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका बीज विघटन। 12वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, नींबू का खर्रा रोग किस प्रकार का रोग है? तो इसका ये जो रोग है सीड बर्न का रोग है। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट का कारक है? तो उसका दोस्तों उत्तर है सार्कोस्पोरा अरेकिड कोला, जो उसका होता है ग्राउंड नट का कारक होता है। 14वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट के कारण की पूर्वावस्था क्या है? तो इसका उत्तर दोस्तों माइक्रोस्फोला अरेकिड कोला, ये पूर्वावस्था। 15वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, तमाकू की मोज़ेक रोग का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर दोस्तों आइवेनस्की ने 1892 ईस्वी में पता लगाया था। 16वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, धान के आभासी कांड का कारक है? तो इसका तो दोस्तों है क्लेविसेप्स ओराइजी सटाइवी। 17वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, बजरा का कांड का रोग कारक है? तो इसका उत्तर दोस्तों टोलिस्पोरियम पेनिसिली। 18वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का नियंत्रण है? तो इसका उत्तर दोस्तों डाइथेन M45 और डाइथेन 2-78 का हम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। 19वां प्रश्न दोस्तों है, बायोफंगीसाइड का उदाहरण है? तो उसका उत्तर दोस्तों ट्राइकोड्रामा ब्रिंडी। 20वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, जौ के धारी धार रोग का रोगजनक है? तो उसका दोस्तों ट्रेक्सलेरा ग्रेमनिया। 21वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों,
सर्वांगी कीटनाशी का उदाहरण है? तो इसका उत्तर दोस्तों प्लांट वैक्स, वीटा वैक्स। 22वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रोग जनक है? तो इसका उत्तर दोस्तों फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। 29वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, अलसी कीट का रोग जनक है? तो इसका उत्तर दोस्तों मेरेनस्पोरा लिनाई के द्वारा। 24वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, कोशिका विवर्धन के कारण पौधों के आकार में असामान्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अतिवृद्धि। 25वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, आलू की अगेती पछेती झुलसा हेतु प्रतिरोधी किस्में हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी बादशाह आदि। हम प्रतिरोधी किस्में का प्रयोग कर सकते हैं झुलसा के लिए। 26वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, बाजरा की हरित वाली रोग का रोगकारक है? तो इसका उत्तर है दोस्तों स्केलस्पोरा ग्रेमनी कोला, जो हमारा कवकीकरण होता है। 27वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, रेड रूट ऑफ सुअर केन का रोग जनक है? तो उसका उत्तर है दोस्तों कोलेक्टोटोलियम फैकल्टम। 28वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा उपचार में बीजों को किस तापमान में भिगोया जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों है 65 से दोस्तों, जो ये हमारा 65 से 85 फारेनहाइट पर भिगो जाता है। 29वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, सौर ऊष्मा उपचार को किसने देखा? तो इसका उत्तर है स्विंगल, 1892 ईस्वी में। 30वां प्रश्न दोस्तों है, बीज उपचार हेतु तो सर्वांगी कवकनाशिका की मात्रा होती है? तो इसका उत्तर दोस्तों उत्तर है 2.5 GM और KG प्रति सीड। 31वां प्रश्न है दोस्तों, गेहूं के करनाल बंट रोग को अनुकूल अवस्था कब मिलती है? तो इसका उत्तर दोस्तों है फरवरी से मध्य मार्च तक। 32वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, गेहूं के करनाल बंट को रोकने के लिए किसका छिड़काव किया करना चाहिए? तो इसका उत्तर गेहूं के करनाल बंट रोग को मोनोकोजेब 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें दोस्तों, लेकिन वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, देख जरूर लेना क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। 33वां प्रश्न दोस्तों है, गेहूं की काली में काला चूड़ भरा है कौन सा रोग है? अनावृत कांड। 34वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में मोजेक समूह के पटेटो वायरस हैं? तो इसका उत्तर Y, X, S तथा A है। 35वां प्रश्न दोस्तों, भिंडी मोजेक वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भिंडी मोजेक वायरस हमारा ये होता है सफेद मक्खी के कारण होता है दोस्तों, ये सफेद हमारा मक्खी के कारण होता है। 36वां प्रश्न दोस्तों है, मोजेक रोधी भिंडी की किस्में हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों परभनी क्रांति, अर्का, ओभय, हमारी जो मोजेक रोधी भिंडी की किस्में हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, और जो नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।